हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जस्ट वेट ए मिनट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास। वॉइस क्लियर है क्या? पहले ये बता दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। अजय जी गुड इवनिंग, यामिन जी गुड इवनिंग, जडेजा जी गुड इवनिंग, बसंत जी गुड इवनिंग, अभिमान जी गुड इवनिंग, मनीष जी, जितेंद्र जी, सुनीता जी, हमलता जी, बसंत जी गुड इवनिंग, जितेंद्र जी गुड इवनिंग, मितेश जी गुड इवनिंग, सो गुड इवनिंग एवरीवन, सतीश जी गुड इवनिंग। वॉइस क्लियर है ना? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कल हम जो पेपर सॉल्व कर रहे थे, डीजीवीसीएल का पेपर सॉल्व कर रहे थे, 2021 का पेपर फर्स्ट सॉल्व कर रहे थे, उसका पार्ट फर्स्ट हमने सॉल्व किया था और पार्ट सेकंड आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन देखिएगा, फटाफट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है एक नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, आपको फाइंड आउट करना है। एक सर्किट दिया हुआ है, इसका नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड आउट करना है। नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है आपके पास? नॉर्टन करंट होती है, इट इज द शॉर्ट सर्किट करंट बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। ये जो टर्मिनल ए और बी है, इनको अगर आप शॉर्ट करोगे तो यहाँ पे जो शॉर्ट सर्किट करंट जाएगी उसी को हम क्या बोलते हैं? नॉर्टन करंट बोलते हैं। ठीक है, उसी के साथ हमें क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पर आरटीएच या नॉर्टन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इसका इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरह से बनता है, नॉर्टन करंट इन पैरेलल विद आरटीएच और नॉर्टन रेजिस्टेंस। यहाँ पे आप आरटीएच या नॉर्टन रेजिस्टेंस दोनों एक ही बात होती है, यहाँ पे कनेक्ट करते हैं बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। सो बताइएगा क्या इक्विवेलेंट सर्किट बन सकता है? यहाँ पर शॉर्ट सर्किट करंट कितनी होगी? अगर आप किसी भी रेजिस्टेंस के पैरेलल में शॉर्ट सर्किट करते हो तो उसकी इफेक्टिव वैल्यू कितनी हो जाती है? जीरो हो जाती है। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट हमारे पास क्या बन जाएगा? ये इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा 50 वोल्ट, तो इधर है हमारे पास सप्लाई, करेक्ट। उसके बाद 4 ओम रह जाएगा केवल यहाँ पे, और ये केवल शॉर्ट सर्किट हमारे पास रहेगा। तो शॉर्ट सर्किट करंट कितनी आएगी? शॉर्ट सर्किट करंट आएगी 50/4, दैट मीन्स 12.5 एम्पियर। 12.5 एम्पियर आ गई हमारे पास शॉर्ट सर्किट करंट। उसके बाद आरटीएच या नॉर्टन रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हो? अगर वोल्टेज सोर्स हो तो उसको शॉर्ट सर्किट करते हैं, और करंट सोर्स हो तो उसको ओपन सर्किट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, उसको हम क्या करेंगे? शॉर्ट सर्किट करेंगे। जब इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे, 4 एंड 4 क्या आ जाएंगे? दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, और 4/2, दैट मीन्स कितना हो जाएगा? 2 ओम हो जाएगा। ये आ जाएगा 12.5 एम्पियर एंड 2 ओम इज आरटीएच। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सी ऑप्शन विल बी द सॉरी बी ऑप्शन विल बी द राइट। ठीक है, बी हमारे पास करेक्ट होगा, जिसमें 12.5 एम्पीयर नॉर्टन करंट है और नॉर्टन रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड है, उसको स्किप करते हैं, लिमिट से रिलेटेड है। यहाँ पे देखिएगा हमारे पास कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास स्टेट वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे ए मैट्रिक्स जो दिया हुआ है, इसमें A1, A2 और A3 इस तरह से कोई वेरिएबल है, A1, A2, A3, और यहाँ पे बी मैट्रिक्स दी हुई है 0 0 1, और सी मैट्रिक्स दी हुई है 1 0 0, करेक्ट। तो आपको बताना है कि सिस्टम कंट्रोलेबल A1, A2 और A3 की कौन सी वैल्यू के लिए होगा। दैट मीन्स आपको ऑप्शन कैसे दिया हुआ है, देखिए जरा प्लीज। A1, A2, A3 की वैल्यू इस तरह से बतानी है कि ये वैल्यू जीरो होगी या नॉन जीरो होगी, ये वैल्यू जीरो होगी या नॉन जीरो होगी, ये जीरो होगी या नॉन जीरो होगी, ये इस टर्म में बताना है। तो आप कंट्रोलेबिलिटी चेक करिए। कंट्रोलेबिलिटी कैसे चेक करते थे हम किसी भी सिस्टम की? किसी भी सिस्टम के लिए कंट्रोलेबिलिटी चेक करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको बोलते हैं कलमांस टेस्ट। और कलमांस टेस्ट के अकॉर्डिंग क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है b a b a रेस टू a स्क्वायर b, एंड ये चलता जाता है a रेस टू n-1 b। तो यहां पर आप देखोगे ए मैट्रिक्स जो है ना, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स कौन सी होती है? ए मैट्रिक्स, दूसरी बी मैट्रिक्स, तीसरी सी मैट्रिक्स, और डी मैट्रिक्स मोस्टली हमारे पास क्या होती है? जीरो होती है, क्लियर। तो यहाँ पे डी मैट्रिक्स जीरो दी हुई है। अब आप क्या करोगे, एन एन बाई एन, ये कितने कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है? 3/3 की। तो एन इक्वल टू कितना है? 3।
तो यहाँ पे आप रखोगे 3 माइनस 1, दैट मीन्स ए स्क्वायर बी तक हमें कलमांस टेस्ट करना है। तो क्यू इक्वल टू आप क्या फाइंड आउट करोगे, बी ए बी ए स्क्वायर बी, ये फाइंड आउट करना है। और अगर इसका डिटरमिनेंट 0 आ जाता है तो ये सिस्टम क्या होगा, नॉट कंट्रोलेबल होगा, और 0 नहीं आता है तो कंट्रोलेबल रखेगा। तो हमें क्या करना है, A1, A2, A3 की ऐसी वैल्यू बतानी है जिससे सिस्टम क्या निकले, कंट्रोलेबल निकले। तो देखिए जरा प्लीज, मैट्रिक्स का तो मल्टीप्लाई आप इजीली कर दोगे, मैं तो डायरेक्टली बता देता हूं आपको, यहां पे जो वैल्यू आएगी डायरेक्टली बता देता हूं। क्यू इक्वल टू क्या आ रहा है, बी तो हमारे पास अवेलेबल है 0 0 1, ए बी आपके पास आएगा 0 A2 0, और ए स्क्वायर बी आएगा आपके पास A1 A2 0 0, ये आएगा। अब इसका हम क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट निकालोगे तो क्या आएगा, 0 माइनस 0 प्लस A1 A2, और ये आ जाएगा 0 माइनस A2, ये आ जाएगा। अब आप बताओ डिटरमिनेंट जो होना चाहिए वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 0 नहीं होगा उसके लिए A1 A2 क्या होना चाहिए, दोनों में से कोई सा भी जो है A1 A2 का प्रोडक्ट 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए हमें क्या रखना पड़ेगा, A1 भी नॉन जीरो रखना पड़ेगा, A2 भी नॉन जीरो रखना पड़ेगा, और A3 आपकी मर्जी आए जो रख लो, A3 को आप 0 कर दो, क्योंकि A3 का एक्सप्रेशन यहाँ आ ही नहीं रहा है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसीलिए हम यहाँ पर ऐसा करेंगे कि जो A1 और A2 की वैल्यू है वो नॉन जीरो रखेंगे। A1 और A2 की वैल्यू कहाँ नॉन जीरो है, सी ऑप्शन में नॉन जीरो है, और A3 कितना है, 0 रख दो, भले कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा फटाफट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। एक रजिस्टर है 50 ओम का, उसके सीरीज में आपके पास एक इंडक्टेंस है 0.02 हेनरी का, और उसके सीरीज में एक कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफेरड का। ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, आपको बताना है पावर फैक्टर एट रेजोनेंस कंडीशन, व्हाट विल बी द पावर फैक्टर एट रेजोनेंस कंडीशन, 0.8 लीडिंग, 0.8 लैगिंग, यूनिटी, व्हाट विल बी द राइट आंसर, प्लीज कमेंट योर आंसर। रेजोनेंस कंडीशन में, सीरीज रेजोनेंस में ये हमारे पास क्या होगा, एल और सी जो होंगे, एक्सएल और एक्सी इक्वल हो जाएगा, और रिएक्टिव पार्ट 0 हो जाएगा। केवल हमारे पास इंपीडेंस में कौन सा पार्ट रह जाएगा, रिएक्टिव पार्ट 0 रह जाएगा, और रजिस्टिव पार्ट रह जाएगा, रियल पार्ट रह जाएगा। तो किसी भी सिस्टम में जब रियल पार्ट रहता है तो वोल्टेज और करंट जो है वो दोनों सेम फेज में होते हैं, और इसका मतलब उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा, और कोसाइन 0 कितना होगा, 1 होगा। रेजोनेंस कंडीशन में हमेशा पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी होता है। सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट, इफ द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ द सर्किट, एक सर्किट है आपके पास सीरीज आर एल सर्किट है जिसका टाइम कॉन्स्टेंट आपको दिया हुआ है 1 सेकेंड, ठीक है, टी इक्वल टू 1 सेकेंड दिया हुआ है। रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दी हुई है 250 ओम, आपको बतानी है एल की वैल्यू, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू बतानी है, व्हाट विल बी द सेल्फ इंडक्टेंस। एक सीरीज आरएल सर्किट है जिसका हमारे पास टाइम कांस्टेंट दिया हुआ है, प्लीज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। यस, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, एक बार प्लीज शेयर कर दीजिए इसको, ठीक है, काफी मेहनत की है आपके सॉल्यूशंस के लिए, तो एक बार प्लीज शेयर कर दीजिए। टी इक्वल टू एल बाई आर, यहाँ पर हमारे पास टी इक्वल टू कितना दे रखा है, 1, एल अपॉन 250 इक्वल टू 1, एल इक्वल टू कितना आ जाएगा, 250 हेनरी, प्रैक्टिकली जो कभी पॉसिबल नहीं है, इतना हाई इंडक्टेंस वैसे होता नहीं है, हाँ न्यूमेरिकली हम आंसर बोल सकते हैं, टी इक्वल टू कितना, एल इक्वल टू कितना आ जाएगा, 250 हेनरी, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कौन सा है, 250, सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, ये FIR फिल्टर से रिलेटेड है, इसमें डायरेक्ट मैं बता देता हूँ आपको, FIR फिल्टर हमारे पास जो होता है, पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन बता देते हैं। FIR फिल्टर हमारे पास क्या होता है, फाइनाइट इंपल्स रेस्पॉन्स फिल्टर होता है,
देखो ये आपको बहुत कम टॉपिक पढ़ने को मिला होगा, इसको आप सॉल्व नहीं करें। यहाँ पर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, एक ऐसा फिल्टर जिसमें हमारे पास फाइनाइट इंपल्स रेस्पॉन्स होता है, उस फिल्टर को हम क्या बोलते हैं, FIR फिल्टर बोलते हैं। इसका यूज जो है सिग्नल सिस्टम में बहुत ज्यादा किया जाता है। ठीक है, आप इसमें देखो जरा प्लीज, यहाँ पर हमारे पास जो रेस्पॉन्स है वो जीरो में सेटल हो जाता है बिल्कुल ही फाइनाइट टाइम में। ठीक है, इसका यूज जो है जनरली लीनियर फेज फिल्टर की तरह किया जाता है, लेकिन कई कई बार हमारे पास नॉन लीनियर फेज फिल्टर भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो दिया हुआ है कि अगर आपके पास कोई भी इंपल्स रेस्पॉन्स ऑड लेंथ का हो और इवन सिमेट्रिक हो अबाउट द मिड पॉइंट, तो उसका जो रेस्पॉन्स आता है क्या आता है, ये कैसा रेस्पॉन्स है। देखो हम एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे पास कंट्रोल सिस्टम में ट्रांसफर फंक्शन कैसे शो करती हो, टीएस से, लेकिन आप जो आप सिग्नल सिस्टम में ट्रांसफर फंक्शन एचएस से शो करते हैं, क्लियर ना। अगर टाइम डोमेन है तो एचटी लिखते हैं, और अगर डिस्क्रीट टाइम डोमेन है तो उसको एचएन लिखते हैं। तो ये रियलिटी में एचएन है क्या, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास डिस्क्रीट कंटिन्यूस टाइम सिस्टम है, डिस्क्रीट कंटिन्यूस टाइम सिस्टम में जेड ट्रांसफॉर्म लगाते हैं। मान लीजिए इनपुट है एक्स ऑफ एन, आउटपुट है वाई ऑफ एन, तो यहाँ पे जो ये ट्रांसफर फंक्शन है एच ऑफ एन, ये इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स रेस्पॉन्स बोलते हैं। इस इम्पल्स रेस्पॉन्स की वैल्यू जो रहती है एच ऑफ कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन माइनस वन, ये रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यही क्वेश्चन पूछा है कि अगर मान लीजिए कोई भी आपके पास एफआईआर सिस्टम है या एफआईआर फिल्टर है, तो उसका इम्पल्स रेस्पॉन्स आपके पास क्या रहेगा, ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सो ये आपको बहुत कम पढ़ने को मिला होगा, इसको आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए गेन कर सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा फटाफट, नेक्स्ट हमारे पास देखिएगा, एक 250 वोल्ट की डीसी शंट मोटर है हमारे पास, 250 वोल्ट की डीसी शंट मोटर। चलो डीसी शंट मोटर बना देते हैं। ये 250 वोल्ट डीसी शंट मोटर, यहां पे 41 एम्पियर ये करंट आ रही है, और रेजिस्टेंस ऑफ द मोटर ऑफ आर्मेचर, आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना है, 0.1 ओम है। ठीक है, और आर्मेचर रेजिस्टेंस आपके पास 0.1 ओम है, और शंट रेजिस्टेंस कितना है, 250 ओम है। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बैक ईएमएफ ऑन फुल लोड। फुल लोड पे बैक ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा। बैक ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, ईबी इक्वल टू वी माइनस आईएआरए। तो पहले आपको वी तो दे रखा है 250 वोल्ट, माइनस आईए, आईए कितना होगा बताओ जरा प्लीज, आईए होगा ये जो लोड करंट आ रही है उसमें से अगर संट करंट को माइनस कर दोगे तो पीछे क्या बचेगा, आईए बचेगा, आइए होगा लोड करंट माइनस शंट करंट। लोड करंट तो भाई साहब दे रखी है यार 41 मिली एम्पियर, सॉरी 41 एम्पियर, और आईएसएच क्या होता है, वी बाई आरएसएच, वी बाई आरएसएच। तो ये कितना हो गया, 41 माइनस 250 अपॉन आरएसएच, भी 250 दे रखा है, दैट मींस 40 एम्पियर। इसकी वैल्यू यहां रख दो, 40 इंटू आरए कितना है हमारे पास, 0.1, 250 माइनस 4 दैट इज 246 वोल्ट। What will be the right answer? A will be the right answer. Next question देखो फटाफट। एक आपके पास ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है, उसका ट्रांसफर फंक्शन बताइए क्या हो सकता है। एक ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है आपके पास, इसका ट्रांसफर फंक्शन आपको क्या देखने को मिलेगा, ये एच टू है आपके पास, ये जी वन है, और ये एच वन है। ठीक है, अगर आपको विजिबल नहीं है तो यहाँ नेगेटिव फीडबैक है, यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक है, यहाँ पे आपको आर एस इनपुट है, और यहाँ पे सी एस आउटपुट है। फटाफट बताइएगा व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आप देख लीजिएगा आराम से, इसका ट्रांसफर फंक्शन बताइए। गुड इवनिंग दलजीत जी, क्या होगा हमारे पास, अगर पॉजिटिव फीडबैक है, फॉरवर्ड पाथ में क्या है, केवल G1, तो फॉरवर्ड पाथ में ऊपर लिख दो G1। ठीक है, वन तो लिखते ही है, अगर आपके पास पॉजिटिव फीडबैक है तो कैसा साइन लोगे, यहाँ पे नेगेटिव साइन, और क्या होगा, G1 इंटू एच वन, G1 इंटू एच वन। फिर अगर आपके पास नेगेटिव फीडबैक है तो नेगेटिव फीडबैक में क्या लिखोगे, नेगेटिव फीडबैक के लिए क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस प्लस
जी1 H1 H2, जी1 H1 H2, व्हाट विल बी द राइट आंसर? फटाफट बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। कोई ऑप्शन देखने को मिल रहा है क्या? यहां पे कैसे करेंगे इसको? कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? G1H2, देखो जरा इसको सिग्नल फ्लो ग्राफ से करते हैं। G1, यहां पे हमारे पास H2 है और यहां पे हमारे पास -H2 और यहां पे हमारे पास H1, ठीक है, RS और ये CS। फॉरवर्ड पाथ हमारे पास क्या हो गया? फॉरवर्ड पाथ हो गया G1 अपॉन 1 प्लस G1 H2 माइनस G1 H1, ये रहेगा हमारे पास। व्हाट विल बी द राइट आंसर? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारे पास क्या होगा यहां पे? राइट आंसर होना चाहिए डी विल बी द राइट आंसर। यस, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास एक ट्रांसमिशन लाइन है, उसमें अगर लोड इंपेडेंस किसके बराबर है? कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस के बराबर है, तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और स्टैंडिंग वेव रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, अगर ZL बराबर Z नोड हो तो आपको बताना है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और स्टैंडिंग वेव रेशियो दोनों की वैल्यू बताइएगा फटाफट। ZL माइनस Z नॉट अपॉन ZL प्लस Z नॉट, ये हो जाएगा ZL बाई Z नॉट रेशियो। फटाफट कैलकुलेट करके बताइए। ZL और Z नॉट इक्वल है तो इनका डिफरेंस कितना रहेगा? जीरो। ट्वाइस ऑफ ZL जीरो अपॉन समथिंग कितना रहेगा? जीरो रहेगा। और ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब इनका रेशियो कितना रहेगा? वन रहेगा। मतलब कुल मिला के बात यह है कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट तो जीरो आएगा और स्टैंडिंग वेव रेशियो वन आएगा। डी विल बी द राइट आंसर। अगेन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, व्हाट कैपेसिटेंस मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद 30 माइक्रोफेराड? एक 30 माइक्रोफेराड का कोई कैपेसिटर है, उसकी सीरीज में ऐसा कौन सा कैपेसिटेंस कनेक्ट करें कि टोटल कैपेसिटेंस जो आपके पास आ जाए वो 10 माइक्रोफेराड आ जाए। प्लीज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन कैपेसिटेंस सी। फटाफट कैलकुलेट करिए इसको। दो सीरीज कैपेसिटेंस है, उनका इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए? 10 माइक्रोफेराड होना चाहिए। 1 अपॉन सी टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सी प्लस 1/30, 1/10 प्लस 1/30। अगर यहाँ पे 15 रखोगे तो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा आपके पास। अगर 15 रखोगे तो क्या होता है? सी वन इंटू सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, सी टोटल इक्वल टू, आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। ये कितना चाहिए हमें? 10 चाहिए। 30 C2 अपॉन 30 प्लस C2, तो यहाँ पे आप देखोगे C2 इक्वल टू कितना सेलेक्ट हो जाएगा? 15 माइक्रोफेराड। ये ऑप्शन आ रहा है क्या? चेक करिए फटाफट। सी विल बी द राइट आंसर। इस इक्वेशन से भी कर सकते हो, इस इक्वेशन से भी कर सकते हो, आपको जो अच्छी लगे उस इक्वेशन से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार गेटको के कई एग्जाम में ये आ चुका है। इस क्वेश्चन को देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क्स गेट अफेक्टेड बाय द मेथड ऑफ न्यूट्रल ग्राउंडिंग? न्यूट्रल ग्राउंडिंग की वजह से कौन सा नेटवर्क अफेक्टेड होता है? पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क, व्हाट विल बी द राइट आंसर? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के भी क्वेश्चन है। यस प्लीज। न्यूट्रल ग्राउंडिंग, अगर आप किसी भी न्यूट्रल टर्मिनल को ग्राउंड से कनेक्ट करते हो, ठीक है, तो वहां पे जीरो सीक्वेंस करंट हमेशा फ्लो होती है और उसकी की वजह से जीरो सीक्वेंस नेटवर्क जो है मोस्टली अफेक्टेड होगा। पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस डज नॉट फ्लो थ्रू द ग्राउंड,
प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फटाफट, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को करके बताइए। आपको पता है क्या हमारे पास मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मोस्ट सीवियर फॉल्ट होता है वो कौन सा फॉल्ट होता है? थ्री फेज फॉल्ट। लेकिन जनरेटर के नजदीक कौन सा फॉल्ट सीवियर होता है? सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारे पास सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट जो है जनरेटर टर्मिनल पे इसकी सीवियरिटी जो है थ्री फेज फॉल्ट से ज्यादा है। तो यहाँ पे आपके पास X1 पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस है, X0 जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस है, Xn आपके पास न्यूट्रल रिएक्टेंस है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यदि आपके पास लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट की सीवियरिटी थ्री फेज फॉल्ट से ज्यादा हो तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? Xn इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ X1 माइनस X0, Xn इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ X1 माइनस X0, Xn लेस देन 1/3 X1 माइनस X0, और Xn ग्रेटर देन 1/3 X1 माइनस X0। कुल के बाद ये है कि हमारे पास सीवियरिटी किसकी ज्यादा है? सीवियरिटी आपके पास ज्यादा है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट की कंपेयर टू सीवियरिटी ऑफ ट्रिपल लाइन फॉल्ट। इन केस ऑफ, ये कब पॉसिबल होता है? जब फॉल्ट किसके नजदीक हो? जनरेटर के नजदीक हो। हमेशा इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। वैसे तो मोस्ट सीवियर फॉल्ट कौन सा होता है? थ्री फेज फॉल्ट होता है, लेकिन जनरेटर के नजदीक फॉल्ट होगा ना तो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट की सीवियरिटी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब फॉल्ट करंट जो होगा लाइन टू ग्राउंड में कंपेरेटिवली ज्यादा होगा फॉल्ट करंट ऑफ थ्री फेज फॉल्ट। तो अगर आप इसको देखोगे लाइन टू ग्राउंड में फॉल्ट करंट का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? फॉर्मूला होता है 3A अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z0 प्लस 3Zn, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा फॉल्ट करंट लाइन टू ग्राउंड में, और इसका फॉर्मूला होता है EA अपॉन Z1, क्योंकि थ्री फेज फॉल्ट में पोस्ट फॉल्ट सिस्टम बैलेंस रहता है तो इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस ही देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो जरा प्लीज, EA से EA कैंसिल आउट, Z1 नियरली इक्वल टू Z2 होता है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? 3/2 ऑफ Z1 प्लस Z0 प्लस 3Zn इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन Z1, 3Z1 इक्वल टू किसके आएगा? 2Z1 प्लस Z0 प्लस 3Zn। ठीक है, 3Zn इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये ग्रेटर देन रखना है ना आपको, यहाँ पे ग्रेटर देन साइन रखिएगा, ये ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 3Zn लेस देन Z1 माइनस Z0। तो यहां से Zn लेस देन कितना आ जाएगा? 1/3 Z1 माइनस Z0। अगर आप रिएक्टेंस के रेस्पेक्ट में देखोगे तो Xn लेस देन कितना आ जाएगा? 1/3 X1 माइनस X0। व्हाट विल बी द राइट आंसर? डी विल बी द राइट आंसर। ऑब्वियसली सीधी सी बात है, यहां पर सी विल बी द राइट आंसर। ऑब्वियसली सीधी सी बात है यहां पर कि हमारे पास जो है कि अगर न्यूट्रल रिएक्टेंस कम होगा तभी तो फॉल्ट करंट ज्यादा होगा ना। न्यूट्रल रिएक्टेंस जितना ज्यादा होगा तभी तो फॉल्ट करंट ज्यादा होगा, फॉल्ट करंट ज्यादा होगा तो सीवियरिटी भी ज्यादा देखने को मिलेगी। सो बी विल बी द राइट आंसर, यहां पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को फटाफट बताइएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। मिनिमम नंबर ऑफ टू इनपुट NAND गेट रिक्वायर्स टू इंप्लीमेंट ए टू इनपुट XOR गेट। अगर आपको XOR गेट बनाना है किसकी मदद से? टू इनपुट NAND गेट की मदद से, तो उसके लिए कितने आपके पास टू इनपुट NAND गेट की रिक्वायरमेंट होगी? प्लीज कमेंट योर आंसर। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। यस प्लीज, देखो अगर आपको XOR गेट बनाना है टू इनपुट NAND गेट से तो चार गेट चाहिए, XNOR बनाना है तो आपको कितने चाहिए होंगे टू इनपुट NAND गेट से? तो पांच चाहिए होते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं और कंफ्यूजन होता है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे PDF में आपको एक टेबल प्रोवाइड की हुई है, उस टेबल को देख के आप सारा फाइंड आउट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी है। देखिएगा इस टेबल को, इस टेबल से के थ्रू आप सारा फाइंड आउट कर सकते हो कि मिनिमम नंबर ऑफ NOR गेट और NAND गेट कितने चाहिए किसी भी गेट को बनाने के लिए।
तो ये टेबल याद कर सकते हो, या फिर आपके पास अगर लॉजिक सर्किट बनाना आता है देन इट इज वेरी गुड, फिर कोई दिक्कत नहीं है। नैंड गेट और नोर गेट का ही क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि नैंड गेट और नोर गेट क्या होते हैं, यूनिवर्सल गेट होते हैं, और यूनिवर्सल गेट का मतलब होता है कि इन दोनों गेट की मदद से आप कोई सा भी दूसरा लॉजिक गेट सर्किट बना सकते हो। तो अगर आपको यहाँ पे नैंड गेट और नॉर गेट की मदद से दूसरे गेट बनाने हो, चाहे नॉट गेट बनाना हो, एंड गेट बनाना हो, और एक्स और एक्स नॉर, नैंड नॉर, ठीक है, या फिर हाफ एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, ये सभी बनाना हो, या फिर फुल एडर या फुल सब्ट्रैक्टर बनाना हो, तो इन सब की इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। इस टेबल के थ्रू यू कैन फाइंड आउट एवरीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बढ़िया कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करिएगा। एक आपके पास दो आइडेंटिकल कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल है जो सेम करंट कैरी करती है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द मिड वे बिटवीन द कॉइल्स इज। दो सर्कुलर कॉइल है जहां पर आपके पास दो सर्कुलर कॉइल में ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑपोजिट करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, इस मतलब सेम करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन फ्लो हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड मिड पॉइंट पे कितना होगा ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, सेम एज दैट प्रोड्यूस बाय वन कॉइल, जीरो, ट्वाइस दैट ऑफ प्रोड्यूस बाय वन कॉइल, हाफ एज दैट प्रोड्यूस बाय वन कॉइल। व्हाट विल बी द राइट आंसर? यस जडेजा जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इस क्वेश्चन को देखिए जरा प्लीज, इस क्वेश्चन में देखिए, ये दो सर्कुलर कॉइल है, ऐसे समझिएगा, ये डायग्राम देखिए आराम से समझ में आ जाएगा। ये इस सर्कुलर कॉइल में इधर डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, और इस सर्कुलर कॉइल में इधर डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, इधर इसमें इधर जा रही है, इसमें इधर जा रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी कोई भी, और इक्वल मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जो आएगी, तो आप अगर कर्ल रूल लगाओगे, तो कर्ल रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कर्ल रूल के अकॉर्डिंग जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इक्वल एंड ऑपोजिट हो सकती है हमारे पास, और उस टाइम रिजल्टेंट हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, जीरो आएगा। आपको एक बात बताया क्या, कोएक्सियल केबल होती है ना, उसमें कोएक्सियल केबल में क्या होता है, इनर कोर होती है, फिर हमारे पास एक आउटर कोर और होती है, ठीक है, इनर कोर और एक आउटर कोर होती है, इस तरह से कोर होती है। जैसे इनर कोर में अंदर की तरफ करंट जा रही है और आउटर कोर में बाहर की तरफ करंट जा रही है, तो इसके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये भी जीरो होगा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास करंट रहती है तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहेगा, लेकिन सेम डायरेक्शन में तो डबल हो जाएगा, है ना। अगर सेम डायरेक्शन में करंट हो तो क्या होगा, डबल हो जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट रहेगी तो राइट हैंड कर्ल रूल के अकॉर्डिंग यहां पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कल आपको एसी वोल्टेज कंट्रोलर के बारे में डिटेल से बताया था, उसका भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट पेपर सेकंड में। उसी तरह पावर इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है स्टेप डाउन चॉपर का, इस क्वेश्चन को कॉमन सेंस के साथ करके बताइएगा। अगर आपको इसका फॉर्मूला मालूम है तो आप कर सकते हो। एक स्टेप डाउन चॉपर है जिसका इनपुट वोल्टेज 200 वोल्ट है और लोड रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है। वोल्टेज ड्रॉप चॉपर में 2 वोल्ट का हो रहा है जब ये ऑन होता है। ड्यूटी साइकिल 0.6 है, आपको एवरेज आउटपुट वोल्टेज बताना है, मतलब डीसी वोल्टेज बताना है। देखिए जरा प्लीज, जैसे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, एक चॉपर है स्टेप डाउन, तो पहले एक स्टेप डाउन चॉपर बना लेते हैं। ये लोड है आपके पास, यहां पे आपको एवरेज आउटपुट वोल्टेज बताना है। यहां पे कितना वोल्टेज दे रहे हो, 200 वोल्ट दे रहे हो। वीएस है आपके पास 200 वोल्ट। यहाँ पे ड्रॉप कितना हो रहा है, 2 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है। और ड्यूटी साइकिल अल्फा कितना है, 0.6 है। प्लीज फाइंड आउट दी आउटपुट वोल्टेज, व्हाट विल बी द राइट आंसर? यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 200 में से 2 वोल्ट अगर माइनस करोगे तो रियलिटी में यहाँ कितना अवेलेबल रहेगा, 198 वोल्ट। और आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज होता है अल्फा टाइम्स ऑफ इनपुट अवेलेबल। तो यहाँ पे वीएस माइनस वोल्टेज ड्रॉप आप लिखोगे तो रियलिटी में यहाँ पे आपके पास कितना अवेलेबल रहेगा, 200 में से अगर 2 वोल्ट का ड्रॉप हो गया तो 198 इंटू 0.6, व्हाट विल बी द राइट आंसर, 118.8 वोल्ट। व्हाट विल बी द राइट आंसर, राइट आंसर विल बी द बी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी
इम्पोर्टेंट, इस क्वेश्चन को देखते हैं कौन करके बताता है, ठीक है, इस क्वेश्चन को कर देखते हैं फटाफट, देखते हैं कौन करके बताता है। दो इंडक्टेंस है L1 और L2 म्यूचुअली कपल्ड है, मैक्सिमम पॉसिबल म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल्स इज, अगर मान लीजिए दो कॉइल है आपके पास, एक कॉइल का इंडक्टेंस है L1 और दूसरी कॉइल है L2 जिसका इंडक्टेंस है L2, इनके बीच में मैक्सिमम पॉसिबल म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना हो सकता है, प्लीज कैलकुलेट। म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है M इक्वल टू के अंडर रूट L1 L2, और इस म्यूचुअल इंडक्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू तब मिलेगी जब आपके पास के की वैल्यू किधर से किधर वेरी करती है, 0 से 1 की तरफ, ठीक है। अगर के 0 रख दोगे तो M इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 होगा, दैट मीन्स मिनिमम वैल्यू मिलेगी म्यूचुअल इंडक्टेंस की, और मैक्सिमम वैल्यू तब मिलेगी जब कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कितना हो, 1 हो। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, दो कॉइल के बीच में है, या तो 100% फ्लक्स लिंक हो सकता है या 0% हो सकता है, 0% से 100% के बीच में कोई भी हो सकता है, जितना परसेंट फ्लक्स लिंक होता है उसी को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का मतलब क्या होता है कि एक कॉइल का कितना पोर्शन ऑफ फ्लक्स दूसरी कॉइल से लिंक हो रहा है, बस यही बात होती है, उसी को अपन कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बोलते हैं। तो 100% से ज्यादा फ्लक्स तो लिंक हो ही नहीं सकता ना एक कॉइल का, भाई ऐसे थोड़ी है कि कोई दूसरा अवतार लेके आएगा कि 10% भाई तू भी लिंक हो जाए, 110% हो जाते हैं, ऐसा नहीं होगा। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, के इक्वल टू 1 हो सकता है, दैट मींस एम इक्वल टू फॉर्मूला क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ L1 L2, व्हाट विल बी द राइट आंसर करस्पॉन्डिंग टू दिस, यहाँ पे अंडर रूट L1 इंटू L2, L1 और L2 की वैल्यू रखोगे, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 50 × 200 मिली हेनरी में अंडर रूट ऑफ 10,000 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 100 मिली हेनरी। What will be the right answer? C will be the right answer, and it is the completion of DGVCL paper first. DGVCL paper first आपका आज ये complete हो गया। अब DGVCL paper second वो अपन solve करेंगे। Next DGVCL paper second को solve करेंगे। उसके पहले एक बार please share कर दीजिए इस video को, और एक बार फटाफट like करके आ जाइए, और कोई तुरंत short doubt है तो बता दीजिए, फिर आगे next paper के लिए बढ़ते हैं। DGVCL पेपर फर्स्ट 2021, सेकंड पेपर करते हैं अभी, 48 नंबर, या तो वो मैथ्स का क्वेश्चन होगा, किसी का तो क्वेश्चन होगा। अरे छुट्टी नहीं करवा रहे हैं तुम तो बड़े खुश हो रहे हो, छुट्टी नहीं करवा रहे हैं। स्टैंडिंग वेव रेशियो बता दे क्या, देखो स्टैंडिंग वेव रेशियो क्या होता है, स्टैंडिंग वेव रेशियो ये हमारे पास कई तरीके से इसके फॉर्मूले आते हैं और कंफ्यूजन होता है, ये मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन मिनिमम वोल्टेज भी होता है, ठीक है, या फिर 1+ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 1- रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट भी होता है, ये भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है, और या फिर आपके पास इसका फॉर्मूला ZL/Z0 ये भी रहता है। स्टैंडिंग वेव रेशियो क्या होता है, स्टैंडिंग वेव रेशियो कुछ नहीं होता है, एक हमारे पास फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वेव होती है, एक बैकवर्ड ट्रेवलिंग वेव होती है, और जहां पे ये दोनों वेव का कॉम्बिनेशन होता है, फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वेव प्लस बैकवर्ड ट्रेवलिंग वेव, उसी को बोलते हैं हम स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव का मतलब ये कि जब इन दोनों को कंबाइन करोगे ना, तो हमें ऐसा लगता है कि वेव क्या आ रही है, स्टैंडिंग पोजिशन में है, उसी को हम बोलते हैं स्टैंडिंग वेव, और उसका रेशियो जो होता है लोड इंपेडेंस अपॉन कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस होता है। ये फॉर्मूला तब अप्लाई करोगे जब आपके पास ZL > Z0 रहेगा, और इसका फॉर्मूला कई बार Z0/ZL भी देखने को मिलता है, ये कब अप्लाई करोगे, जब Z0 > होगा ZL, ये बात ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए स्टैंडिंग वेव रेशियो जो है हमेशा क्या होना चाहिए, >1 होना चाहिए। एग्जाम का क्या आइडिया, एग्जाम का कोई आइडिया नहीं है, आप अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन तरीके से रखिए, बेस्ट तरीके से, कल हो जाए तो भी आप इतनी अच्छी तैयारी हो जानी चाहिए कि कल भी अगर एग्जाम हो तो आप टॉप कर सके, बस सेलेक्ट नहीं होना है, टॉप करना है।
नैंड से और का लॉजिक सर्किट कैसे होगा? नैंड से और का लॉजिक सर्किट तो बहुत इजी है, क्या दिक्कत है? नैंड से और का लॉजिक ये हो गया नैंड, ये एक नैंड, फिर दूसरा नैंड, फिर इन दोनों को मिला लो, क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा ए बार, इधर आ जाएगा बी बार, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए ये एम इनपुट आया, यहाँ एन इनपुट आया, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम प्लस एन का, सॉरी, एम डॉट एन का होल बार। तो एम की वैल्यू है ए बार और एन की वैल्यू है बी बार। अब यहाँ डी मॉर्गन लगा दो, डी मॉर्गन लगाओगे तो डॉट ऑपरेटर किसमें चेंज करते हो? प्लस ऑपरेटर में। तो ए डबल बार प्लस बी डबल बार, बार से बार कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा? ए प्लस बी, ये हो जाएगा और गेट। और गेट के लिए आपके पास कितने नैंड गेट चाहिए? तीन नैंड गेट चाहिए। तो आपको, अगर आपने पढ़ा होगा दर्जी जी, तो मैंने क्लासेस में बताया भी है आपको कई बार कि हमारे पास और गेट क्या होता है। और गेट कुछ नहीं होता है, ये इन्वर्टेड इनपुट नॉर नैंड गेट होता है। इन्वर्टेड इनपुट नैंड गेट को भी हम क्या बोलते हैं? और गेट बोलते हैं। तो ये इन्वर्टेड इनपुट आए ना यहाँ पे, कैसे इनपुट आए? इन्वर्टेड इनपुट आए और नैंड गेट है, उसी को हम क्या बोलते हैं? और गेट बोलते हैं। सो नेक्स्ट पेपर स्टार्ट करते हैं फटाफट। नेक्स्ट पेपर हमारे पास कौन सा है? डिजिविशियल पेपर सेकंड 2021, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए फटाफट। वाह, आप तो हैमटेक बहुत भारी पड़ गए, 104 लेटर है तो चार नैंड गेट, गजब भारी हो यार आप। व्हाट इज द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ गिवन आर एल सर्किट एज शोन इन द फिगर? अरे गोस्वामी जी, आप भी हो क्या? बहुत बढ़िया। व्हाट इज द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ एन आर एल सर्किट एज शोन इन फिगर? इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? फटाफट बता दीजिएगा। ये सर्किट दिया हुआ है जिसमें ये 0.3 हेनरी है इंडक्टेंस, ये 0.9 हेनरी है, यहां पे 10 ओम का रेजिस्टेंस है, इसका टाइम कांस्टेंट बताना है। क्या बात है सतीश जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कैसे बताओगे? टाइम कांस्टेंट होता है एल बाई आर। यहां पे केवल सिंगल इंडक्टेंस नहीं है, जब सिंगल इंडक्टेंस नहीं हो तो कैसे फाइंड आउट करोगे? एलटीएच अपॉन आरटीएच, मतलब थेवनिन इंडक्टेंस निकालो और थेवनिन रेजिस्टेंस निकालो, दोनों का जो रेशियो होगा उसी को टाइम कांस्टेंट बोलेंगे। क्लियर? तो थेवनिन इंडक्टेंस कैसे निकालें? यहाँ पे थेवनिन इंडक्टेंस ऐसे निकाल सकते हो, लोड को कर दो ओपन, आप लोड को ओपन कर दोगे, वोल्टेज सोर्स को कर दो शॉर्ट। जब वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करोगे, यहाँ पे इंडक्टेंस कितना है? 0.3 हेनरी, यहाँ पे इंडक्टेंस कितना है? 0.9 हेनरी, और ये आपके पास टोटल इंडक्टेंस कितना आ जाएगा? ये टोटल इंडक्टेंस आ जाएगा 0.225 हेनरी, ये आ जाएगा। आरटीएच कितना रहेगा? रेजिस्टेंस तो बेचारा अकेला ही है, तो ये हमारे पास आरटीएच रहेगा 10 ओम यहाँ पे आपके पास। और यहाँ पे कुल मिला के बात ये है कि वैसे आरटीएच हमारे पास, इसको ओपन करोगे लोड रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस हमारे पास कितना रहेगा? 10 ओम रहेगा। तो ये रेशियो कितना आ जाएगा? 0.0225, ये आ जाएगा 22.5 मिली सेकेंड। व्हाट विल बी द राइट आंसर? राइट आंसर होगा सी, विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दो पार्टिकल है जिसमें यहाँ पे दो चार्ज रखे हुए हैं, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2।
इनके बीच की डिस्टेंस है आपके पास d, ठीक है। अगर मान लीजिए q1 को डबल कर दिया जाए, q2 q1 और q2 को भी डबल कर दिया जाए 2q2 और डिस्टेंस को भी डबल कर दिया जाए, तो पहली कंडीशन में जो फोर्स था 20 न्यूटन मीटर था, तो सेकंड कंडीशन में फोर्स कितना होगा ये बताना है। इसके साथ अगर कैपेसिटर कनेक्टेड होता तो फिर पूरा हमें डेरिवेशन करना पड़ता और उसमें एक्सपोनेंशियल की जो टर्म आती e की पावर माइनस समथिंग, उसके साथ हम देखते कि वहां पे क्या टाइम कांस्टेंट है, पूरा डेरिवेशन करना पड़ता। फटाफट बताइएगा, इन दोनों के बीच में अगर चार्ज को डबल कर दिया जाए, दोनों को डिस्टेंस को भी डबल कर दिया जाए, तो पहली कंडीशन में 20 न्यूटन मीटर का फोर्स था, सेकंड कंडीशन में कितने न्यूटन मीटर का फोर्स होगा। न्यूटन मीटर नहीं, मिली न्यूटन, सॉरी मिली न्यूटन लिखा हुआ है, इट इज मिली न्यूटन। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है कि q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस स्क्वायर। अगर आप यहां पे ये डबल कर दो चार्ज, ये भी डबल कर दो और डिस्टेंस को भी डबल कर दो 2r1 का स्क्वायर, तो यहां पे 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, अगेन वापस क्या आ जाएगा k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। That means हमेशा पहले वाला ही यहां पर सेम रहेगा 20 मिली न्यूटन। What will be the right answer? Right answer will be the C. ठीक है, यहां पर C आंसर देखने को मिलेगा हमें। Next question देखो फटाफट, इस question को solve करके बताइएगा फटाफट। The transfer function CS upon RS for the following block diagram as shown in figure is. अगर summing point take off point से पहले आता है तो दोनों point को क्या मानते हैं, same मानते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लीजिए, सिग्नल फ्लो ग्राफ से जल्दी से हो जाएगा। ब्लॉक डायग्राम से करना चाहो तो ब्लॉक डायग्राम से भी कर सकते हो, आपकी जैसी इच्छा हो। यहां पर आपके पास आ रहा है माइनस एच, यहां पे आपके पास जा रहा है जी थ्री और यहां पे जा रहा है जी वन जी टू। प्लीज सॉल्व दिस, क्या आंसर आएगा ट्रांसफर फंक्शन का, आर एस और इधर है सी एस। नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ कौन कौन से हैं, एक तो G1 G2 है और एक अकेला G3 है, अपॉन वन प्लस नेगेटिव फीडबैक है तो प्लस साइन लगाओगे। दो फॉरवर्ड पाथ है तो A और C में से हो सकता है, G1 G2 प्लस G3 अपॉन वन प्लस G1 H। केवल एक ही लूप देखने को मिलेगा, ये वाला लूप देखने को मिलेगा। अगर आप ध्यान रखिएगा, टेक ऑफ पॉइंट से पहले समिंग पॉइंट आ जाए तो दोनों पॉइंट को क्या मानते हैं, सेम मानते हैं। लेकिन एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, सिग्नल फ्लो ग्राफ में अगर टेक ऑफ पॉइंट पहले आ जाए और समिंग पॉइंट बाद में आ जाए तो दोनों को अलग अलग पॉइंट मानते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ में। ठीक है, फटाफट बताओ, हो गया सॉल्यूशन, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक अल्टरनेटर है आपके पास, टर्बो अल्टरनेटर है, जिसके पोल है 4, एमवी रेटिंग है 425 और इनर्शिया कांस्टेंट दे रखा है 5 किलोवाट सेकेंड पर केवीए। द स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी इन द रोटर एट सिंक्रोनस स्पीड इज 125 मेगा जूल, 50 मेगा जूल, 100 मेगा जूल, 62.5 मेगा जूल। क्या दे रखा है, एमवीए रेटिंग दे रखी है कितना, 25 एमवीए और एच दे रखा है आपको 5 किलोवाट सेकेंड पर केवीए, पर वोल्ट एम्पियर भी लिख सकते हो, वाट सेकेंड पर वोल्ट एम्पियर। कितना आएगा बता दे, जूल अपॉन वोल्ट एम्पियर भी लिख सकते हो। व्हाट विल बी द राइट आंसर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है एमवीए इंटू एच, एस इंटू एच, ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा। काइनेटिक एनर्जी किसमें होगी, जूल में ही होगी, तो आप खुद सोचो ना प्लीज, एमवीए को किससे मल्टीप्लाई करोगे, जूल अपॉन
वोल्ट एम्पियर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, मेगा जूल में आंसर आएगा, कितना आएगा, 25 इंटू 5, दैट मीन्स 125 मेगा जूल। ठीक, इसको रटने की जरूरत नहीं, यूनिट से भी कर सकते हो, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट, देखो ये क्वेश्चन मैंने कल भी आपको बहुत अच्छे से समझाया था, एक थ्री फेज का हाफ वेव रेक्टिफायर है, इसमें थ्री फेज फोर वायर सिस्टम है, लाइन टू लाइन वोल्टेज आपके पास 150 वोल्ट है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज है, आपको आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी बतानी है कितनी होगी, आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी, देखते हैं कौन आंसर देता है, ऑप्शन नहीं अवेलेबल है, डायरेक्ट आंसर दीजिए, देखते हैं कौन आंसर देता है। क्वेश्चन फोर रिपीट प्लीज, क्वेश्चन फोर को क्या रिपीट करें, विजय जी आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आप जाके चेक करिए, कंट्रोल सिस्टम AEJEE कंट्रोल सिस्टम, वहां पे जो आपके पास बेसिक्स की क्लासेस है वो सारी देखिए आप, वहां पे आपको काफी हेल्प मिलेगा। अगर और ज्यादा डेप्थ में पढ़ना है विजय जी आपको, तो ऐप भी डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, व्हाट विल बी द राइट आंसर, आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ पल्सेस इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। थ्री फेज हाफ वेव रेक्टिफायर में पल्सेस कितनी होगी, थ्री, थ्री इंटू थ्री कितना हो जाएगा, 900 आपके पास हर्ट्ज ऑप्शन आएगा। मैंने कल भी बताया था, अगर सिंगल फेज आपके पास सिंगल फेज हाफ वेव है तो वहां पे पल्स कितनी होती है, वन होती है, सिंगल फेज फुल वेव है रेक्टिफायर है आपके पास तो वहां पे नंबर ऑफ पल्सेस दो होती है, सिंगल फेज या थ्री फेज हाफ वेव है तो वहां पे आपके पास पल्सेस कितनी होती है, आपके पास तीन पल्सेस होती है। तो ये क्वेश्चन किसका है, थ्री फेज हाफ वेव का है, पीडीएफ कहां मिलेगा, अरे कई बार आपको बोल तो दिया, पीडीएफ आपको मिलेगा, ये ऐप है ना, ऐप में जाओगे वहां पे होम पेज है, होम पेज में ऊपर जो ट्रिपल बार होते हैं वहां पे देखोगे, इस पे क्लिक करोगे तो वहां पे आपके पास स्टडी मटेरियल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, स्टडी मटेरियल पे क्लिक करिए, वहां पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक बात, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट, एसी वोल्टेज कंट्रोलर का मैंने आपको बोला था क्वेश्चन आएगा, और एसी वोल्टेज कंट्रोलर का क्वेश्चन देखिए जरा प्लीज, एक प्योर रेजिस्टिव लोड है 10 ओम का, इनपुट वोल्टेज है 150 वोल्ट आरएमएस वैल्यू और फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, थायरिस्टर स्विच को आप ऑन रखते हो कितने साइकिल के लिए, 25 साइकिल के लिए, मतलब एन इक्वल टू कितना दिया हुआ है 25, और ऑफ रखते हो 75 साइकिल के लिए, एम इक्वल टू कितना दिया हुआ है 75, तो आरएमएस आउटपुट वोल्टेज आपको बताना है और इनपुट पावर फैक्टर बताना है, फटाफट कैलकुलेट करके बताइए। ठीक है, फटाफट कैलकुलेट करके बताएंगे, यहां पर आपके पास सोर्स वोल्टेज कितना है 150 वोल्ट। देखो मैं आपको हिंट दे देता हूं, कल भी बताया था मैंने आपको, ट्विटर पे क्यों भेज रहे हो आप इनको, आप आपको ऐप का जो लिंक है ना वो अभी वीडियो चल रहा है उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी देखिए आप यहाँ पे फटाफट, यहाँ पे आपको एक तो चाहिए इनपुट पावर फैक्टर, इनपुट पावर फैक्टर क्या होता है अंडर रूट ऑफ के, और के क्या होता है नंबर ऑफ ऑन साइकिल अपॉन नंबर ऑफ ऑन साइकिल प्लस ऑफ साइकिल, और उसके बाद आउटपुट आरएमएस वोल्टेज क्या होता है, आउटपुट आरएमएस वोल्टेज होता है वीएस इनटू अंडर रूट के। प्लीज कैलकुलेट दिस, व्हाट विल बी द राइट आंसर, इसमें क्या शॉर्टली प्रोसेस होगी, इट इज द डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, यू कैन अपीयर इन द एग्जाम। अरे क्वेश्चन तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप सब छोड़ दो, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑन साइकिल दिए हुए हैं, नंबर ऑफ ऑफ साइकिल और सोर्स वोल्टेज दिया हुआ है,
आपको बताना है आंसर। अंडर रूट के क्या होगा? के हो जाएगा 25 अपॉन 25 प्लस 25 75, दैट मींस 1/4। के कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1/4, दैट मींस कितना हो जाएगा? 1/2। ये हो जाएगा हमारे पास 0.5। वीएस कितना दे रखा है? 150 × 0.5, ये आ जाएगा 75 वोल्ट। व्हाट विल बी द राइट आंसर? आंसर आया आपके पास आरएमएस आउटपुट वोल्टेज 75 वोल्टेज और इनपुट पावर फैक्टर कितना आया? डी इक्वल टू 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फटाफट। ये प्योर कैलकुलेशन है, इस क्वेश्चन को करके बताइए फटाफट। आपके पास एक फोर पोल वेव कनेक्टेड आर्मेचर है डीसी मशीन का, जिसके कंडक्टर आपके पास जेड इक्वल टू 600 है, एन इक्वल टू 650 आरपीएम है, पोल आपके पास चार है और फ्लक्स आपके पास 25 मिली वेबर है। जनरेटेड ईएमएफ ई बताना है, जिसका फॉर्मूला होता है पी जेड फाइव एन बाई 68। प्लीज कैलकुलेट दिस। गुड इवनिंग हिमांशु जी, इसको कैलकुलेट करके बताइए। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल सा। नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं? चार। नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हैं? 600। फ्लक्स कितना है? 25 मिली वेबर, 25 × 10⁻³, और स्पीड कितना है? 650 आरपीएम अपॉन 60A। ए क्या है? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। तो मोटर आपके पास कैसी है, मशीन कैसी है, सॉरी जनरेटर कैसा है? वेव कनेक्टेड है, और वेव कनेक्टेड में आपके पास पैरेलल पाथ कितने होते हैं? पैरेलल पाथ हमेशा दो होते हैं अगर सिंप्लेक्स हो, ठीक है? तो ये आपके पास दो हो जाएगा और इसका आंसर आपके पास लगभग लगभग कितना आएगा? 325 वोल्ट आ जाएगा। व्हाट विल बी द राइट आंसर? आफ्टर द कैलकुलेशन यू विल गेट 325 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। एक थ्री फेज 10 किलोवाट का फोर पोल का 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर है, जिसका फुल लोड स्पीड आपके पास 1440 आरपीएम है, फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस आपके पास 500 वाट है, कैलकुलेट द रोटर कॉपर लॉस। इस क्वेश्चन को करके बताइए अपने आप से, यहां पे आपको कोई हिंट नहीं मिलेगा। देखते हैं कौन आंसर सही देता है। फटाफट बताएंगे। देखो क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास रोटर इनपुट होता है, जिसको हम किससे शो करते हैं? एयर गैप पावर से, पीजी से, ठीक है? रोटर इनपुट के बाद आपको मिलता है रोटर कॉपर लॉसेस। रोटर आयरन लॉसेस बहुत ही स्मॉल होते हैं, उसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं। रोटर कॉपर लॉसेस के बाद आपको मिलेंगे फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, और उसके बाद आउटपुट शाफ्ट पावर मिलती है आपको, ठीक है? अब एक स्टेटमेंट आप सभी नोट कर लीजिएगा, यदि किसी को मालूम नहीं है, कभी भी कोई भी मोटर हो या जनरेटर हो, उसकी जो रेटिंग होती है ना, रेटिंग में जो पावर लिखी होती है, वो हमेशा इनपुट पावर नहीं होती है, वो हमेशा कौन सी पावर होती है? आउटपुट पावर। तो आप नोट करके लिख दीजिएगा, रेटिंग ऑफ एनी मशीन इज डिसाइडेड बाय द आउटपुट रेटिंग, है ना? आउटपुट पे क्या मिल रहा है वही रेटिंग होगा, इनपुट वाला कुछ नहीं होगा। 10 किलोवाट का मतलब ये मत समझना कि मोटर को आपको 10 किलोवाट सप्लाई देनी है, 10 किलोवाट आपके पास आउटपुट निकल रहा है। तो कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पे आपको रोटर कॉपर लॉस पता करना है ना, तो रोटर कॉपर लॉस आप कैसे पता कर सकते हो? रोटर कॉपर लॉस, हाउ कैन यू फाइंड आउट द रोटर कॉपर लॉस? यहाँ पे आपके पास एयर गैप पावर में से अगर रोटर कॉपर लॉस माइनस कर दोगे, तो पीछे जो बचेगी वो मैकेनिकल पावर बचती है। कौन सी पावर बचती है? मैकेनिकल पावर। यहां पे एयर गैप, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, और उसके बाद आपके पास शाफ्ट पावर। तो 10 किलोवाट ये दिए रखा है, ये कितना दे रखा है? 10,000 वाट। ये कितना दे रखा है? 500 वाट। तो ये कितना होगा? फ्लो डायग्राम ऐसे है ना, पावर फ्लो डायग्राम। पीएम कितना हो जाएगा? आउटपुट शाफ्ट पावर प्लस फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, ये हो जाएगा 10,500 वाट। अब हमारे पास कल एक पेपर में क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें हमें रेशियो पूछा था, कॉपर लॉस होता है
स्लिप टाइम ऑफ एयर गैप पावर, मैकेनिकल पावर होती है 1 माइनस एस टाइम ऑफ एयर गैप पावर। अगर आप इन दोनों का रेशियो लोगे, कॉपर लॉस अपॉन मैकेनिकल पावर, तो ये कितना आएगा, स्लिप अपॉन 1 माइनस एस, यही आएगा। ये कल भी क्वेश्चन पूछा था हमने। तो हमारे पास पीएम दे रखा है, पी कॉपर फाइंड आउट करना है, एस अपॉन 1 माइनस एस इंटू पीएम। पीएम कितना है 10,500, स्लिप आप निकाल सकते हो आराम से। स्लिप कैसे निकालोगे, स्लिप होती है एन एन एस इक्वल टू एन एस माइनस एन अपॉन एन एस। यहाँ पे स्पीड आपके पास है 1440 आरपीएम, चार पोल की 50 हर्ट्ज की मोटर है, तो एन एस कितना होगा आपके पास 1500 माइनस 1440 अपॉन 1500 कितना हो जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 0.04। कितना आ जाएगा 0.04। सो यहाँ पे आप लिखोगे 0.04 1 माइनस 0.04 दैट मींस 0.96 आफ्टर द सॉल्यूशन यू विल गेट 437.5 वाट। वाट विल बी द राइट आंसर, सी विल बी द राइट आंसर। ठीक बात, सी आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है फटाफट बता दो सभी। अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया और इंडक्शन मोटर में पावर फ्लो डायग्राम से कोई क्वेश्चन आता है तो 100% आप आराम से कर लोगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारी टर्म यूज हुई है, फ्रिक्शन लोडेज का कंसेप्ट है, आउटपुट पावर की रेटिंग है, मैकेनिकल पावर है, रोटर एयर गैप पावर का रिलेशन कॉपर लॉसेस से, एयर गैप पावर का मैकेनिकल पावर से रिलेशन, ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आराम से आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो इसको दोबारा करिएगा जरूर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक आपके पास कोई भी ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, उसका पोलर प्लॉट बताना है। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या दिया हुआ है, अगर आपको विजिबल नहीं है तो ये है आपके पास 1 upon 1 plus ST1, 1 plus ST2, 1 plus ST3। इसका आप पोलर प्लॉट बताइए फटाफट। स्टेटर कॉपर लॉसेस नेगलेक्ट नहीं करेंगे, स्टेटर कॉपर लॉसेस क्यों नेगलेक्ट करेंगे, फटाफट बताइए इसको। आपके पास ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है 1 upon 1 plus ST1, 1 plus ST2, 1 plus ST3। आप कैसे पता करोगे, आप सिंपली पता करो, फ्रीक्वेंसी कहां से कहां वेरी होती है, जीरो से इंफिनिटी। आप एक काम करो, इसका फेज का फॉर्मूला निकाल दो और फेज का वेरिएशन करो, ओमेगा बराबर जीरो रख के, ओमेगा बराबर इंफिनिटी रख के, फेज कहां से कहां वेरी होगा। देखो पोलर प्लॉट की जो स्टार्टिंग होती है वो डिपेंड करती है टाइप ऑफ सिस्टम पे, ठीक है, और एंडिंग जो होती है वो डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ सिस्टम पे। तो आपके पास एंगल कैसे आएगा, -90 × n, यहां पे भी -90 × ऑर्डर, जो भी ऑर्डर होगा वो आएगा। तो टाइप ऑफ सिस्टम कितना है बताओगे, कोई टाइप जीरो सिस्टम है कि नहीं है, एस की पावर जीरो है यहां पे क्योंकि ओरिजिन पे कोई पोल है नहीं, तो ये टाइप जीरो सिस्टम है। तो स्टार्टिंग एंगल कितना रहेगा, स्टार्टिंग एंगल रहेगा -90 × 0, दैट मींस 0 डिग्री से स्टार्ट होगा ये। और टर्मिनेशन एंगल कितना रहेगा, -90। ऑर्डर कितना है, थर्ड ऑर्डर का सिस्टम है, -90 × 3, दैट मींस -270 डिग्री। तो ये जो है पोलर प्लॉट ऐसा बनेगा जो 0 डिग्री से तो स्टार्ट होगा, 0 डिग्री से सभी स्टार्ट हो रहे हैं, देख लो ये 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ, ये भी 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ, ये भी 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ, ये -90 से स्टार्ट हुआ, इसको तो हटा दो, डी ऑप्शन हट गया। सभी का स्टार्टिंग एंगल क्या होना चाहिए, 0 डिग्री वाली लाइन पे होना चाहिए, ठीक है। अब खत्म कहां पे हो रहा है ये देखना है, पहला वाला -270 वाली लाइन पे हो रहा है, ठीक है, दूसरा वाला -180 वाली लाइन पे हो रहा है, गलत हो गया, तीसरा वाला सॉरी दूसरा वाला आपके पास -90 वाली लाइन पे हो रहा है टर्मिनेट, और तीसरा वाला आपके पास जो हो रहा है वो -180 डिग्री पे हो रहा है, और फर्स्ट वाला -270 पे टर्मिनेट हो रहा था, इसका मतलब ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। वैसे आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन में पुट एस इक्वल टू जे ओमेगा करोगे ना तो क्या आएगा, 1 upon 1 plus j omega t1, 1 plus j omega t2, 1 plus j omega t3, यही आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, फाई का फॉर्मूला निकालते हैं, फाई क्या हो जाएगा, -10 inverse omega t1
ऊपर एंगल जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स ओमेगा टी टू माइनस टेन इनवर्स ओमेगा टी थ्री। अब आप ओमेगा को जीरो रखो, ओमेगा को जीरो रखोगे तो फाई कितना आएगा, जीरो डिग्री, माइनस जीरो डिग्री, क्योंकि टेन इनवर्स जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। और ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होता है, फाई इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स इन्फिनिटी, माइनस टेन इनवर्स इन्फिनिटी, फिर माइनस टेन इनवर्स इन्फिनिटी, माइनस टेन इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारे पास माइनस 270 डिग्री। मतलब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जीरो डिग्री से, और टर्मिनेट कहाँ हो रहा है, 270 डिग्री पे। तो ये आप डायरेक्टली भी बता सकते हो स्टार्टिंग और एंडिंग से, और प्रोसीजर भी कर सकते हो एज पर योर चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपके पास दो मशीन है, मशीन ए जो दी हुई है और एक मशीन बी दी हुई है। यहाँ पे दोनों मशीन में चार नंबर ऑफ पोल है, नंबर ऑफ पोल चार है। मशीन ए जो है वेव वाउंड है, और मशीन बी आपके पास लैप वाउंड है। इसमें से आपको बताना है मशीन बी और मशीन ए में से कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, फटाफट बताइएगा। युवराज पटेल फ्रॉम छत्तीसगढ़, बहुत बहुत धन्यवाद, फटाफट बता दो भाई साहब। यस प्लीज, लेफ्ट वाउंड का क्या हमारे पास एडवांटेज होता है, लेफ्ट वाउंडिंग एल फोर लो, लो वोल्टेज के लिए यूज होती है। अगर आपको याद रखना है, लेफ्ट वाउंड हमेशा लो वोल्टेज के लिए यूज होती है। वोल्टेज लो होगा तो करंट हाई होगी, लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए। इसका उल्टा क्या होगा, वेव वाउंड के लिए होगा। वेव वाउंड जो होती है डीसी मशीन, वो हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए होती है। लो करंट क्यों होता है, क्योंकि वेव वाउंड में जो है ना पैरेलल पाथ दो ही होते हैं, पैरेलल पाथ दो होंगे तो करंट भी क्या होगी हमारे पास, लो होगी। और लेफ्ट वाउंड में क्या होता है, पैरेलल पाथ पोल्स के बराबर होते हैं। यहाँ पोल दिए हुए चार, तो ज्यादा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ रहेंगे तो करंट भी क्या रहेगी, हाई रहेगी। तो इसमें आप देखो जरा प्लीज, लेफ्ट के लिए कौन सी मशीन थी, बी वाली, और वेव के लिए कौन सी मशीन थी, ए वाली। तो थोड़ा सा ऑप्शन आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा वाला सेट कर रहा है। मशीन बी में देखो, मशीन बी में पहला स्टेटमेंट है मशीन बी के लिए, लो वोल्टेज और मोर रेटेड करंट। नहीं, ये तो दोनों मोर है, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। दोनों मोर वाला और दोनों लेस वाला कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। ए और सी ऑप्शन तो कभी पॉसिबल होगा ही नहीं। अब देखते हैं मशीन ए का ही बचा है, बेचारी मशीन बी ए ही बची है। मशीन ए में देखो, लेस रेटेड वोल्टेज और मोर वोल्टेज, लेस रेटेड वोल्टेज मशीन ए में ऐसा तो है ही नहीं, लेस रेटेड वोल्टेज है ही नहीं मशीन ए में। मशीन ए में क्या है, हाई वोल्टेज है। चलो हाई वोल्टेज हो गया, और हाई वोल्टेज है, ठीक है, मशीन ए में हाई वोल्टेज है, यहां मिल गया हमें, और लेस रेटेड करंट तो ये हमें यहां मिल गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देख लो एक बार फटाफट, आप चेक कर लीजिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। थोड़ा ऑप्शन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट, हो गया सभी का, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लैप और वेव के बीच में बहुत ज्यादा डिटेल से डिफरेंस दिया हुआ है, यू कैन रीड आउट हियर फ्रॉम। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड का टाइम लगना चाहिए। भले सर्किट का क्वेश्चन है, आपको डेटा नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूं, ये 5 ओम है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, फिर 2 ओम का रेजिस्टेंस, फिर 4 ओम का रेजिस्टेंस, ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है। सप्लाई आपके पास 30 वोल्ट की है, आपको बतानी है यहां से करंट कितनी जाएगी, फटाफट कैलकुलेट करिए।
क्या हो जाएगा, इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, चार और चार हाफ हो जाएगा, दो दो और दो फिर वन हो जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा फाइव और यहाँ पे वन हो, और वोल्टेज सप्लाई कितना है, वोल्टेज सप्लाई 30 वोल्ट, करंट कितना आएगा, करंट आ जाएगा V बाई R, दैट मीन्स 30 बाई रेजिस्टेंस हो गया 6, इट इज 5 एम्पियर, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट, देखो भाई साहब ये क्वेश्चन हम पहले से कर चुके हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट चेंज हुआ है। इफ द सीवियरिटी ऑफ सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट एट द टर्मिनल ऑफ अनलोडेड सिंक्रोनस जनरेटर इज लेसर लिखा हुआ है, पेपर फर्स्ट में क्या लिखा हुआ था, मोर लिखा हुआ था, वैसे प्रैक्टिकली ये कभी होता नहीं है लेसर, है ना। तो हमारे पास पिछली बार आंसर जो था वो क्या था, xn लेस देन 1/3 x1 माइनस x0 था ना, इस बार उल्टा दिया हुआ है तो डी ऑप्शन हो जाएगा, xn ग्रेटर देन 1/3 x1 माइनस x0, ये हमारे पास डी ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक बात, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम पिछली बार अभी थोड़ी देर पहले कर चुके हैं। चलो भाई साहब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ, यहां पे आपके पास आउटपुट एक्सप्रेशन बताना है और सारे जो गेट दिए हुए और नॉर गेट दिए हुए हैं, कोई भी ये नहीं पूछेगा सर अगला गेट कौन सा है, सारे गेट कैसे हैं, नॉर गेट है, आपको आउटपुट एक्सप्रेशन बताना है क्या आएगा। यहां पे इनपुट है एक ए और एक बी, यहां से ए और बी, यहां पे भी जा रहा है ए और बी, इतना तो मैं हेल्प कर देता हूं, बाकी आप करो फटाफट सॉल्व करके बताओ, व्हाट विल बी द आउटपुट एक्सप्रेशन एट एफ टर्मिनल। जल्दी से बताइए सॉल्व करके, नॉर गेट है, यहां पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल बार, यहां पे फिर उसका उल्टा हो जाएगा तो ए प्लस बी आ जाएगा इस इनपुट पे, और यहां पे क्या आ जाएगा, इन्वर्टेड नॉर है तो ए डॉट बी, ठीक है, ये हो गया एम और ये हो गया एन, तो यहां पे मिलेगा n m प्लस n का बार और यहां पे मिलेगा m प्लस n अगेन, तो f इक्वल टू क्या आएगा, f इक्वल टू आ जाएगा a प्लस b प्लस ab, ये आएगा। अब ab को a प्लस b में ऐड करोगे, आंसर तो आपके पास बूलियन एलजेब्रा से या फिर केएमएफ से सॉल्व करोगे तो a प्लस b ही बचेगा, ab क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा हमारे पास, तो आउटपुट एक्सप्रेशन आपको क्या मिलेगा, d विल बी द राइट आंसर। अगर के मैप से आप करना चाहो तो मैं बता देता हूं मैं आपको, ठीक है, के मैप से देखो फटाफट, के मैप में ए बी 0 1 0 1, ठीक है, ए बार ए बी बार बी, पहला है हमारे पास ए, ए फिलअप करना है, ठीक है, ए फिलअप कर दिया, ए में ये दोनों आ जाएंगे, फिर बी फिलअप करना है, ये बी और ये वन दोनों आ जाएंगे, प्लस ए बी, ए बी के लिए कौन सा होगा, ये वाला, ये तो कॉमन ही हो गया, तो इसका मतलब आप देखोगे इधर से आपको क्या मिलेगा, ए बच जाएगा और एक बी बच जाएगा, आउटपुट एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, सो डी विल बी द राइट आंसर। आप चाहे बूलियन एलजेब्रा से करो या फिर केएमएफ से करो, आपकी इच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ईएमएफटी का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखिए आपके पास फ्लक्स डेंसिटी डी दिया हुआ है, एक्स प्लस थ्री ए एक्स कैप ये दिया हुआ है, फाइंड द टोटल चार्ज इन साइड ए क्यूबिकल वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर ऑन ए साइड सिचुएटेड इन द पॉजिटिव ऑक्टेंट विद थ्री एजेस को इंसिडेंट विद एक्स वाई जेड एक्सिस वन कॉर्नर एट द ओरिजिन। भगवान बड़ा क्वेश्चन है, कुल मिला के ये साफ सुथरी बात बोल रहा है कि एक क्यूबिकल वॉल्यूम है आपके पास, उस क्यूबिकल वॉल्यूम में हर एक की जो साइड है उस साइड की वैल्यू जो है आपके पास
डिस्टेंस, ये आर्म की जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर की है, ठीक है। आपको यहां पे इसके अंदर क्यूबिक के अंदर कितना चार्ज स्टोर होगा ये बताना है। तो देखो जरा प्लीज, चार्ज कैसे फाइंड आउट करते हो, एक बात सुनो ध्यान से। चार्ज हमारे पास कई तरह का हो सकता है, पॉइंट चार्ज हो सकता है ना, लाइन चार्ज हो सकता है, आराम से समझिएगा ईएमएफटी को, घबराने की जरूरत नहीं है। सरफेस चार्ज हो सकता है, ठीक है, और एक वॉल्यूम चार्ज हो सकता है, कई टाइप के चार्ज है। इस क्वेश्चन को देख के आपको पता चलेगा कि क्यूब दिया हुआ है तो वॉल्यूम चार्ज है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं, पॉइंट चार्ज है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ए आर कैप, ठीक है। लाइन चार्ज में चार्ज कैसे फाइंड आउट करते हो, है ना। लाइन चार्ज क्या होता है, एक लाइन है उसके ऊपर अगर आपने चार्ज रख दिया है ना इस तरह से, तो लाइन चार्ज डेंसिटी होती है कूलाम पर मीटर टोटल लेंथ। तो क्यू एल कैसे फाइंड आउट करोगे, क्यू एल फाइंड आउट करोगे डी क्यू बाई डी एल, और यहां से क्यू निकालोगे तो लाइन इंटीग्रेशन करना पड़ेगा किसका, रो एल डी एल का, ठीक है। एक लाइन इंटीग्रेशन करना पड़ेगा रो एल डी ए का। अगर लाइन चार्ज है आपके पास तो लाइन इंटीग्रेशन करो, सरफेस चार्ज है तो आप सरफेस इंटीग्रल करो रो एस डी एस का, और वॉल्यूम चार्ज है तो क्यू फाइंड आउट करने के लिए वॉल्यूम इंटीग्रल करो। कुल मिला के बात यह है कि आपके पास, आपको देखना है कि किस टाइप का चार्ज है, लाइन चार्ज है तो लाइन इंटीग्रल, सरफेस चार्ज है तो सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम चार्ज है तो वॉल्यूम इंटीग्रल। यहाँ पे हमारे पास जो है ना क्यूब है, क्यूब में वॉल्यूम इंटीग्रल करना पड़ेगा। वॉल्यूम इंटीग्रल में क्या होता है, तीन वेरिएबल है एक्स वाई जेड, तीनों का वेरिएशन देखना पड़ेगा, और हमें क्या निकालना पड़ेगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो भी निकालना पड़ेगा। तो हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है डी, रो भी क्या होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डेल डॉट डी, ये डाइवर्जेंस होता है इसका। कैसे निकालते हैं डाइवर्जेंस, कल बताया था आपको, डेल डी एक्स अपॉन डेल एक्स, डेल डी वाई अपॉन डेल वाई, डेल डी जेड अपॉन जेड, तीनों डायरेक्शन में आपको डिफरेंशिएशन लेना है। ये कौन सी डायरेक्शन दे रखी है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन का तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। अगर एक्स डायरेक्शन में इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो डेल वाई डेल एक्स कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो रो भी कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया, बात खत्म, ठीक है। रो भी कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया, ठीक, ये रो भी 1 आ गया। अब वॉल्यूम इंटीग्रल कैसे करोगे, वॉल्यूम इंटीग्रल करने के लिए आपके पास डीवी निकालना है। डीवी होता है डी एक्स डी वाई डी जेड, तीनों डायरेक्शन में वेरिएशन चाहिए आपको, डी एक्स डी वाई डी जेड इंटीग्रेशन करो, डी एक्स का क्या आ जाएगा एक्स, डी वाई का क्या आ जाएगा वाई, और डी जेड का क्या आ जाएगा वाई जेड, और तीनों डायरेक्शन का वेरिएशन किधर है, 0 से 1 की तरफ है। तो 1 × 1 × 1 यहाँ पे कितना आ जाएगा, अल्टीमेटली 1 कूलाम ही बचेगा। आंसर कितना आएगा, आंसर बहुत इजी है, 1 कूलाम आएगा। हालांकि प्रोसेस हमें बहुत लंबी है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप आराम से समझ सकते हो, 3 कूलाम नहीं आएगा, 1 कूलाम विल बी द राइट आंसर, ठीक है। प्लस में नहीं है, माइनस, सॉरी मल्टीप्लाई में वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट, चलो आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया फटाफट। अब इस बार गलत मत करना इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को बताइए जरा प्लीज। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक 25 बस का पावर सिस्टम है जिसमें 5 जनरेटर बसेस है, पीवी बसेस कितनी है 5, लोड बसेस कितनी है आपके पास 20, टोटल कितनी है 25। तो स्लैक बस आपको किसमें से माननी पड़ेगी, इसमें से, है ना। स्लैक बस के लिए आपको पीवी बस में से एक माइनस करना पड़ेगा ना, वो करना पड़ेगा जो करना पड़ेगा, साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स बता दो मुझे फटाफट, बताइएगा साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स, बताइए जल्दी से। हाँ बिल्कुल, ईएमएफटी के लेक्चर है, ऐप में मिल जाएंगे आपको, ईएमएफटी का कोर्स मिल जाएगा। कितना आ गया फटाफट बताओ जल्दी से। दो मेथड है ना, अपन ने इसको डिस्कस किया है। पहला मेथड क्या बोलता है, साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स, क्या बोलता है, नंबर ऑफ पीवी बेसिस। वैसे तो 3 मेथड बताए थे मैंने आपको,
सॉरी नंबर ऑफ पी क्यू बसेस उसका टू टाइम्स कर देते हैं अपन इंटू ट्वाइस प्लस नंबर ऑफ पी वी बसेस, और अगर सिलेक्ट बस नहीं मानी है तो उसको माइनस वन करोगे। तो नंबर ऑफ पी क्यू बसेस कितनी है, 20, 20 इंटू दो प्लस 5 माइनस 1 कितना हो गया 44, 44/44 डी विल बी द राइट आंसर। ठीक, दूसरा मेथड भी है। दूसरा मेथड जो है आपको बताया था यहाँ पे टू, ये जो आप फॉर्मूला लगाते हो 2n-2-m, 2n-2-m, ये n क्या है, टोटल नंबर ऑफ बसेस, तो टोटल नंबर ऑफ बसेस कितनी है 25। नंबर ऑफ पीवी बसेस कितनी है, पीवी बस एक बस आपने स्लैक बस मान ली तो माइनस कर दो। पिछली बार आपको जो बताया था उसमें अगर आप माइनस वन नहीं करोगे तो गलत आंसर आएगा। मैंने आपको बोला था कि जब आप माइनस वन करोगे तो इस मेथड से सही आंसर आएगा, अदरवाइज गलत आंसर आएगा। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखिए अगर स्लैक बस अलग से मानी है तो माइनस वन करने की जरूरत नहीं है इस मेथड में, और अगर स्लैक बस अलग से माननी है आपको, क्योंकि टोटल बसेस तो इन्होंने दे दी कि पीक्यू बस 20 है, पीवी बस 5 है, तो स्लैक बस बेचारी किधर जाएगी, किसी से तो माइनस होगी ना, तो हम क्या करते हैं फिर यहां से माइनस वन कर देते हैं। तो ये एम कितना हो गया हमारे पास, 4 हो गया। अगर आप माइनस वन करोगे तो ही आपके पास सही आंसर आएगा मेथड सेकंड से, अदरवाइज आपके पास मेथड सेकंड से सही आंसर नहीं आएगा। पिछली बार अपन ने देखा था माइनस वन नहीं करते थे तो 45/45 आता, वो रॉन्ग आंसर होता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास FIR फिल्टर से रिलेटेड है, डिटेल से सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है ट्रांसड्यूसर से रिलेटेड है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें से आपको ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, दोनों ऑप्शन में आप देख के बताओ कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, या दोनों फॉल्स है या दोनों ट्रू है। पहला स्टेटमेंट देखो, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर जो होता है ना उसको एक्सटर्नल सप्लाई की जरूरत होती है क्योंकि ये सेल्फ जनरेटिंग नहीं होता है। थर्मिस्टर जो होता है उसको एक्सटर्नल सप्लाई की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये सेल्फ जनरेटिंग होता है। हेमटेक, आप अपना सही नाम लिख दो ना, हेमटेक। फर्स्ट मेथड इज ऑलवेज वैलिड, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर कैसा है, एक्टिव ट्रांसड्यूसर है या पैसिव ट्रांसड्यूसर है। दो टाइप के ट्रांसड्यूसर होते हैं ना, एक्टिव वालों को तो सप्लाई की जरूरत होती नहीं है, वो खुद का काम खुद कर लेते हैं, पैसिव वालों को सप्लाई की जरूरत होती है। पैसिव के बेस पे कौन कौन से होते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस वाले हमारे पास पैसिव के बेसिस पे होते हैं। तो थर्मिस्टर तो हमारे पास रेजिस्टेंस से रिलेटेड है ना, ये कब से सप्लाई की जरूरत नहीं मांगने लग गया, ये तो रेजिस्टेंस बेस्ड है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। आरटीडी थर्मिस्टर, थर्मोकपल, ये हम यहाँ से जो है टेम्परेचर मेजर करते हैं, ये सेल्फ जनरेटिंग टाइप का नहीं होता है। स्टेटमेंट सेकेंड तो रॉन्ग है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, पीजो इलेक्ट्रिक है। पीजो इलेक्ट्रिक में बेचारे में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का मूवमेंट होता है जब फोर्स लगाते हो, और चार्जेस का जब मूवमेंट होता है तो इलेक्ट्रिसिटी ईएमएफ डेवलप होता है, जो क्रिस्टल के दोनों सिरों के ऑपोजिट में ईएमएफ डेवलप होता है। जहां पे ईएमएफ अपने आप डेवलप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ जनरेटिंग टाइप का बोलते हैं। लेकिन यहाँ लिखा है नॉट सेल्फ जनरेटिंग, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। दोनों फॉल्स है हमारे पास, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, सी विल बी द राइट आंसर। अगर आपको डिटेल से जानकारी चाहिए एक्टिव ट्रांसड्यूसर, एक्टिव पैसिव ट्रांसड्यूसर के बारे में, इट इज अवेलेबल इन द टेबल। यहाँ पे आपके पास कौन कौन से, मुझे कमेंट करके बताइए। मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक्टिव ट्रांसड्यूसर कौन कौन से हैं, कमेंट करके बताइए। सभी एक्टिव ट्रांसड्यूसर के नाम बताइए कमेंट करके जल्दी से। जल्दी से बताइए कौन कौन से एक्टिव ट्रांसड्यूसर है। अरे ऑल ट्रांजिस्टर वोल्टेज करंट, ये एक्टिव ट्रांसड्यूसर पूछ रहे हैं चिंटू जी, क्या बता रहे हो आप, एक्टिव एलिमेंट बता रहे हो। इसको आप ऐसे याद रखो, टी टी, क्योंकि
यहाँ पे थर्मोकपल, टेको जनरेटर या टेकोमीटर और फोटोवोल्टेइक सेल, फोटोवोल्टेइक सेल और P4 पीजो इलेक्ट्रिक, ये हमारे पास क्या होते हैं, चार एक्टिव ट्रांसड्यूसर होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, पैसिव ट्रांसड्यूसर होते हैं। बस ये याद रख लो, बाकी की बात तो बाकी की है। ठीक, नेक्स्ट देखो फटाफट। ये जो एक फंक्शन है F इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसको आप किससे सेटिस्फाई करोगे, चार इनपुट और गेट से, चार इनपुट नैंड गेट से, चार इनपुट नॉर गेट से, चार इनपुट एंड गेट से। सभी पीडीएफ में पासवर्ड पूछते हैं, आप घूम के आ गए क्या मैं मितेश जी? तो सबसे नीचे है ना जो पीडीएफ है उसमें पासवर्ड भी दिया हुआ है। मितेश जी आप जो पीडीएफ देख रहे हो ना, वहां पे बहुत सारी स्टडी मटेरियल में पीडीएफ है, सबसे लास्ट में पासवर्ड पीडीएफ है, वो बिना पासवर्ड के खुलेगी। ठीक है, उसमें आपको सारी पीडीएफ के पासवर्ड मिल जाएंगे। ठीक है, ये पासवर्ड सिर्फ इसीलिए लगा रहे हैं बिकॉज बहुत सारे इंस्टीट्यूट इसको मिसयूज करने लग गए थे, तो इतना पूरा दिन 9-9 घंटे खप के टाइम लगा के आपके लिए सॉल्यूशन तैयार करते हैं, और अगर कोई इन सॉल्यूशन का मिसयूज करता है दैट इज वेरी रॉन्ग, इसीलिए पासवर्ड लगाया। लेकिन पासवर्ड आपको बता जरूर देते हैं, पासवर्ड क्यों नहीं रखें, पासवर्ड क्यों नहीं रखें ये बताओ। मैं आप सभी को क्वेश्चन पेपर दे देता हूं, आप मुझे टाइप करके दे दो, सॉल्यूशन मैं डाल दूंगा। सॉल्यूशन बनाने में मुझे 1 घंटा लगता है सिर्फ, लेकिन टाइप करने में मुझे बहुत टाइम लगता है। अरे इस क्वेश्चन का आंसर रख दो, पासवर्ड रखो मत रखो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट। इट इज 4 इनपुट और गेट, अगर एक और गेट यूज करोगे जिसमें चार इनपुट दे दो, ए बी सी डी, चारों इनपुट को क्या कर दो, ऐड कर दो, ये और गेट हो गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों ऑप्शन ऐड हो जाएंगे और ये 4 इनपुट और गेट हो गया, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट। चलो ये क्वेश्चन तो कंट्रोलेबिलिटी नॉट कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी का है, इसको आप डिटेल से सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज इट इज टाइम कंज्यूमिंग, तो ये आप अपने आप कर दीजिएगा, मैं तो डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको और ये बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं इसलिए दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपको ऑब्जर्वेबिलिटी पता करनी है तो आप कैसे पता करोगे, क्यू इक्वल टू सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज स्क्वायर सी ट्रांसपोज, और इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करोगे, अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो ये ऑब्जर्वेबल रहेगा। कंट्रोलेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, ए ट्रांसपोज सॉरी बी ए बी ए स्क्वायर बी, इस तरह से चलते हैं और इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, ये अगर नॉट 0 आता है तो ये ऑब्जर्वेबल सॉरी कंट्रोलेबल होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, इट इज कंट्रोलेबल एंड ऑब्जर्वेबल, ए विल बी द राइट आंसर, इसको आप चेक कर लीजिएगा, नो नीड टू सॉल्व दिस। इस क्वेश्चन को करके बताइए, इट इज फ्रॉम द क्लासरूम क्वेश्चन। आपके पास एक इंडक्टेंस है इस तरह से L1, डॉट कपलिंग है, और यहां पे इंडक्टेंस है L2, L2 को इधर से शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, टोटल इक्विवेलेंट इंडक्टेंस बताना है आपको, यहाँ पे सोर्स पे कितना होगा। टोटल इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, वी इक्वल टू क्या होता है, एल इक्विवेलेंट डी आई बाई डी टी होता है। तो आप फटाफट एल इक्विवेलेंट की वैल्यू बताओ जल्दी से,
क्या होना चाहिए? ऑप्शन आपको दे देते हैं, एल टू प्लस एम स्क्वायर एल वन, एल टू माइनस एम स्क्वायर एल वन, एल वन प्लस एम स्क्वायर एल टू, एल वन माइनस एम स्क्वायर अपॉन एल टू। व्हाट विल बी द राइट आंसर? जिसने बेसिक इलेक्ट्रिकल या सर्किट पढ़ा है वो इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा। मैंने आपको बताया था 16 कॉम्बिनेशन होते हैं इसमें, और 16 कॉम्बिनेशन का एक ही आंसर आता है, वो आंसर इसी क्वेश्चन का है। अब तुम जो मेरे से बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ चुके हो और फिर भी गलत आंसर दोगे तो आज लोटा तो है नहीं, जग फेंक दो, जरूर दूंगा मैं तुम्हारे ऊपर। और ये कॉपी पेस्ट का तो गजब ही आइडिया है, एक सी आंसर देता है तो बाकी सभी भी सी आंसर दे रहे हैं, भले कोई मतलब नहीं है सही है कि गलत है, कोई मतलब नहीं, गजब हो तो भयंकर। तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जैसे फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग में ड्राइंग नहीं होती थी क्या? तो ड्राइंग शीट को कई लोग जो है कांच रख के उसके नीचे बल्ब रख के एज इट इज कॉपी करते थे, उसी तरह से आप भी कॉपी कर रहे हो फटाफट ड्राइंग बनाने के लिए। देखो इसको सॉल्व कराता हूं मैं, फटाफट सॉल्व करवा देंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, देखो जरा फटाफट। ये L1 है ना, इधर देखो फटाफट, इससे आपको कई चीजें सीखने को मिल जाएगी। ये इंडक्टेंस है मान लीजिए L1, यहां पे इसके साथ एक सोर्स जरूर लगता है, ठीक है, कैसे लगेगा वो बता देते हैं आपको। ये शॉर्ट सर्किट कर दिया, ये L2 है, यहां से कौन सी करंट आ रही है I1, और यहां से कौन सी करंट जा रही है I2, और यहां से आपके पास V चाहिए। अब आपको इक्वेशन क्या चाहिए? इक्वेशन चाहिए, यहां से लूप लगाओगे, दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस है M, यहां पे आपके पास एम डी आई टू बाई डी टी आएगा, और यहां पे आएगा एम डी आई वन बाई डी टी। भाई पहले की करंट की वजह से इधर म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ आएगा और दूसरी करंट की वजह से इधर म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ आएगा, ये हमने बना दिया, ठीक है। अब पहला लूप लगाओ, पहले लूप में आप लिखोगे वी माइनस एल वन डी आई वन बाई डी टी माइनस एम डी आई टू बाई डी टी, लेकिन हमें पता करना है इक्वेशन वी इक्वल टू एल वन डी आई वन बाई डी टी, केवल पूरी इक्वेशन जो किस में चाहिए, डी आई वन बाई डी टी में चाहिए। तो ये डी आई टू बाई डी टी को रिप्लेस करना पड़ेगा, कहीं से तो रिप्लेस करना पड़ेगा। कैसे रिप्लेस करोगे भाई साहब? रिप्लेस करोगे यहां पे सेकेंड लूप लगा के, तो सेकेंड लूप लगा दे, चलो सेकेंड लूप लगाते हैं, बोलो जरा प्लीज, माइनस एल टू डी आई बाई डी टी प्लस माइनस एम डी आई वन बाई डी टी, माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएंगे, और यहां से डी आई टू बाई डी टी जो हमें चाहिए था ना रिप्लेस करने के लिए, वो आ जाएगा माइनस एम बाई एल टू डी आई वन बाई डी टी। इसको यहां पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन में, पहले इक्वेशन में पुट कर देते हैं, एल वन डी आई वन बाई डी टी प्लस एम डी आई टू बाई डी टी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस एम अपॉन एल टू डी आई वन बाई डी टी। अब डी आई वन बाई डी टी को अलग कर दो, बहुत हो गया, ठीक है। अब बचेगा क्या, एल माइनस एल वन माइनस एम स्क्वायर अपॉन एल टू, आंसर क्या आ जाएगा, एल वन माइनस एम स्क्वायर अपॉन एल टू, इट इज द एल इक्विवेलेंट। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? राइट आंसर हमारे पास होगा यहां पे डी विल बी द राइट आंसर, डी विल बी द राइट आंसर, ठीक बात। आप देखो जरा प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, इसमें डॉट ऊपर आए नीचे आए दाएं आए बाएं आए किधर भी आए, इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा फिक्स ही रहेगा, इट इज एल वन माइनस एम स्क्वायर अपॉन एल टू। डॉट की डायरेक्शन किधर हो, करंट की डायरेक्शन किधर हो, चार वेरिएबल है, आई वन आई टू और दो डॉट, इनका चार वेरिएबल से आप कितनी कंडीशन निकाल सकते हो, 16। इस सर्किट की 16 कंडीशन हो सकती है, सभी में आंसर सेम आएगा, एल इक्विवेलेंट इक्वल टू एल वन माइनस एम स्क्वायर अपॉन एल टू। रिमेंबर दिस पॉइंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि एग्जाम में आपको डेरिवेशन करना पड़े। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फुल लोड कॉपर लॉसेस ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज ट्वाइस ऑफ आयरन लॉसेस, व्हाट विल बी द,
लेवल ऑफ लोड जहां पे एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, फटाफट बताइएगा। फुल लोड के 25% पे, फुल लोड के 70% पे, फुल लोड के 141% पे, फुल लोड के 50% पे, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जहां पे एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। फटाफट सॉल्व करिए। फोर मैक्सिमम एफिशिएंसी आपके पास क्या होना चाहिए? फोर मैक्सिमम एफिशिएंसी आयरन लॉसेस किसके बराबर होने चाहिए? कॉपर लॉसेस के। आयरन लॉसेस इक्वल टू कॉपर लॉसेस। कॉपर लॉसेस का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर पीसीएफ, और पीसीएफ किसके बराबर है? टू पीआई के, या फिर पीआई किसके बराबर है आपके पास? पीसीएफ बाई टू। तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया? 1/2। तो x हमें चाहिए ना, x कितना हो जाएगा? 1/√2। दैट मीन्स 70.7% लेवल ऑफ लोड कितना रखोगे? 70.7% रखोगे तो एफिशिएंसी क्या आएगी? मैक्सिमम आएगी। ठीक बात। नेक्स्ट देखो, देखो p कॉपर और एक्स स्क्वायर पीसीएफ में क्या डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये कॉपर लॉस है हर जगह पे जहां पे आपके पास कोई सा भी लोड हो। एक्स स्क्वायर पीसीएफ क्या है? इसका फॉर्मूला होता है पी कॉपर इक्वल टू एक्स स्क्वायर पीसीएफ, और पीसीएफ जो होता है ना वो फुल लोड कॉपर लॉसेस होता है। फुल लोड कॉपर लॉसेस, जितना लेवल ऑफ लोड आप चेंज करोगे, एक्स की वैल्यू चेंज करोगे, उतना कॉपर लॉसेस चेंज होंगे। आयरन लॉसेस चेंज नहीं होते। आयरन लॉस डज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉपर लॉसेस, सॉरी आयरन लॉसेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ लोड, कॉपर लॉसेस डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ लोड। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा फटाफट। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपके पास कॉपर लॉसेस है फुल लोड पे 100 वाट x इक्वल टू 1 पे, तो कॉपर लॉसेस बताइए 50% लोड पे, या फिर 70% 70.7% लोड पे बताइए कॉपर लॉसेस कितने होंगे? फटाफट बताइए। कितने होंगे? P कॉपर इक्वल टू कितना हो जाएगा? X स्क्वायर PCF, ये फॉर्मूला लगाओगे तो फुल लोड पे आपके पास कॉपर लॉसेस कितने हैं? पहले ये लिखोगे, ये है फुल लोड पे 100 वाट, तो लेवल ऑफ लोड कितना हो गया? 1/√2 का स्क्वायर इंटू 100, 1/2 इंटू 100, दैट इज 50 वाट। कितना आ जाएगा? 50 वाट इज द राइट आंसर। 25 नहीं होगा जडेजा जी, 25 होगा हाफ लोड पे, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन सिग्नल सिस्टम का है। इस क्वेश्चन को देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा, अगर विजिबल नहीं है तो मैं बना देता हूं ढंग से। एक आपके पास कोई भी सिस्टम है LTI, उसका इंपल्स रेस्पॉन्स दिया हुआ है। ये लिखा हुआ है a की पावर n फोर n लेस देन जीरो। ठीक है, ये लिखा हुआ है आपके पास कोई भी इंपल्स रेस्पॉन्स है, और b की पावर n फोर n ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ये दिया हुआ है। इसका मतलब समझिएगा, आपके पास होता क्या है सिग्नल सिस्टम में, डिस्क्रीट टाइम डोमेन सिस्टम में, n इक्वल टू आप यहां पे जीरो ले लो, तो इधर क्या लोगे? n लेस देन जीरो, और यहां क्या लोगे? n ग्रेटर देन जीरो। n ग्रेटर देन जीरो के लिए b की पावर n लिखा हुआ है, और n लेस देन जीरो के लिए a की पावर n लिखा हुआ है। आपको बताना है कि सिस्टम अगर स्टेबल रहे तो स्टेबल सिस्टम के लिए a की वैल्यू और b की वैल्यू क्या होनी चाहिए। पहला ऑप्शन दिया हुआ है a ग्रेटर देन 1 और b ग्रेटर देन 1, दूसरा दिया हुआ है a लेस देन 1 और b लेस देन 1, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है a लेस देन 1 और b ग्रेटर देन 1, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है a ग्रेटर देन 1 और b लेस देन 1। कैसे करोगे ये एक इंपॉर्टेंट टास्क है। इसमें आपको बहुत सारे कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे जो सिग्नल सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। सिस्टम स्टेबल हो उसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्या बात है ऋषिकेश जी, बहुत बढ़िया। देखो क्या दिया हुआ है, वापस देखते हैं। एच ऑफ एन क्या दिया हुआ है?
ए की पावर एन एन लेस देन जीरो, बी की पावर एन एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसको छोड़ो आप तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको लिखूं समेशन एन गोज वन टू इंफिनिटी हाफ की पावर एन, इसका एरिया बताओ मुझे, फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा? कमेंट करके सभी बताओ, बाकी सब छोड़ दो। हाफ की पावर एन, इसका एरिया हमारे पास फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा? यस, आप इसको कैसे शो करोगे? एन गोज जीरो टू इनफिनिटी कर दो, इसको आप ऐसे शो करोगे, एन इक्वल टू जीरो रखोगे कितना आएगा, एन इक्वल टू जीरो रखोगे तो वन आ जाएगा, हाफ की पावर जीरो वन, फिर वन बाई टू आएगा, फिर वन बाई फोर आएगा, फिर वन बाई एट आएगा, फिर वन बाई सिक्सटीन आएगा। ऐसे एरिया कैसा आएगा? फाइनाइट आएगा। एरिया कैसा आएगा? फाइनाइट आएगा। जिस सिस्टम का एरिया फाइनाइट होता है ना, वही सिस्टम स्टेबल होता है। जिसका एरिया फाइनाइट होता है वही सिस्टम स्टेबल होता है। अब मैं यही आपको बोल दूं कि हाफ टू की पावर माइनस एन है, इसका एरिया कैसा होगा? ये भी कैसा आएगा? नेगेटिव टाइम में माइनस एन के लिए ये भी कैसा आएगा? फाइनाइट आएगा ना, टू की पावर माइनस एन है, इसका भी एरिया क्या रहेगा? फाइनाइट रहेगा। तो एक बात बताओ, नेगेटिव साइन के लिए कोई भी वेरिएबल हो वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। और पॉजिटिव साइड के लिए कोई भी वेरिएबल हो वो क्या होना चाहिए? लेस देन वन होना चाहिए। ठीक है, कुल मिला के बात ये है, जैसे हमारे पास पॉजिटिव साइड में वेरिएबल क्या है? पॉजिटिव साइड में वेरिएबल है बी, बी हमारे पास क्या होना चाहिए? लेस देन वन होना चाहिए। और नेगेटिव साइड में ए ग्रेटर देन वन होना चाहिए। समझ में आया क्या? तो यहां पे आप देखो, दो साइड दी हुई है, एक पॉजिटिव साइड दी हुई है, एक नेगेटिव साइड दी हुई है। तो यहां पर आपके पास कैसा बनेगा? कुछ इस तरह से बनेगा, अगर आपके पास बी ग्रेटर देन वन रहा, और यहां पे इस तरह से बनेगा ए लेस देन वन रहा तो यहां पे। ठीक है, पॉजिटिव साइड के लिए बी लेस देन वन और ए ग्रेटर देन वन, यही हमारे पास है, ए ग्रेटर देन वन और बी लेस देन वन। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ए ग्रेटर देन वन बी लेस देन वन। समझ में आया क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज रीडिंग वोल्ट मीटर का कौन सा सर्किट है? इसमें सर्किट देख के आपको बताना है कि एवरेज रीडिंग वोल्ट मीटर का कौन सा सर्किट है, फटाफट देख के बताइए अगर किसी को मालूम है तो। विच ऑफ वन ऑफ द सर्किट इज रिलेटेड टू द एवरेज रीडिंग वोल्ट मीटर? इसमें डायरेक्ट बता देते हैं आपको, सी विल बी द राइट आंसर। एवरेज रीडिंग आपको लेनी है तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? ये तो, ये कौन सा सर्किट है? ये मल्टीप्लायर सर्किट है। यहां पर भी कैपेसिटर नहीं लगा होना चाहिए, यहाँ पे डायोड, डायरेक्ट एसी को किस में चेंज किया? एवरेज वैल्यू में चेंज किया और बात खत्म। ये कौन सा होगा? एवरेज रीडिंग या हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर, वही सर्किट हमारे पास किससे रिलेटेड होगा? एवरेज रीडिंग वोल्ट मीटर से होगा, सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बाकी क्वेश्चन बाद में लेंगे, कल करेंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन बाद में लेंगे, आज इतने ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक बात, अभी कोई डाउट है तो बता दीजिए फटाफट, फिर कल करेंगे कंटिन्यू इसको, कल इस पेपर को कंप्लीट करेंगे। कल वाली पीडीएफ, कल वाली पीडीएफ और आज वाली पीडीएफ दोनों साथ आएगी, और पासवर्ड रहेगा वेव सृष्टि एट द रेट 123। ठीक है, सिग्नल वाला क्वेश्चन डाउट, कैसा
ऐसा डाउट है सिग्नल वाले क्वेश्चन में। फटाफट बता दो क्या डाउट है। जब तुम लाइव क्लास ले लेते हो तो पीडीएफ का करते क्या हो, मुझे ये बताओ। पीडीएफ क्यों चाहिए तुम्हें? लाइव क्लास कर लेते हो, जो डाउट है, जो नया क्वेश्चन है उसको तुरंत नोट कर लो नोटबुक में, बस बात खत्म। पुराना क्वेश्चन जो आपको आ रहा है उसको मत नोट करो। पेपर सॉल्यूशन कराने का एकमात्र यही तो। स्टेबल एंड अनस्टेबल कैसे हैं? अगर कोई भी सिस्टम है जिसका एरिया फाइनाइट होगा वो स्टेबल होगा, अदरवाइज अनस्टेबल होगा। एरिया अंडर द ट्रांजिएंट का रेस्पॉन्स मस्ट बी फाइनाइट। वन क्वेश्चन में डाउट है, कौन से क्वेश्चन में डाउट है? अच्छा, फास्ट रिवीजन के लिए, ठीक है, बढ़िया। स्वरूप सिंह जी धन्यवाद। ठीक है, फिर कल मिलेंगे। क्या दिया होता ए की पावर एन यू एन, जेड ट्रांसफॉर्म क्या निकालोगे? जेड अपॉन जेड माइनस ए, ये तो जेड ट्रांसफॉर्म होगा। अरे ये जेड ट्रांसफॉर्म का ही तो सवाल है, उसको मैंने डायरेक्ट किया है। सीरीज में कैपेसिटर होता तो पूरा डेरिवेशन करना पड़ता। गेटको के लिए यूजफुल है, बिल्कुल यूजफुल है, गेटको के लिए तो करवा रहे हैं। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच। ऐप डाउनलोड कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐप का, वहां से आपको पीडीएफ और कोर्स दोनों की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। टिल देन थैंक यू सो मच, फिर कल मिलेंगे एट 4 PM।